जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मंगला गौरी व्रत के बारे में। साल 2021 में मंगला गौरी व्रत कब है और कितने व्रत इस बार पड़ रहे हैं, अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कब से शुरू करें, कितने व्रत करें, पूजा की विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है, क्या हमें इस व्रत में खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, उद्यापन कब और कैसे करें, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही मैंने आपके कुछ प्रश्न भी इस वीडियो में शामिल किए हैं, जैसे कि आपके प्रश्न आए थे क्या सोमवार और मंगलवार का व्रत हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि सोमवार का व्रत आप कर रहे हैं भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, तो कुछ भक्त चाहते हैं कि वह मंगलवार का व्रत भी करें, माँ मंगला गौरी का भी व्रत करें, तो क्या ये संभव है और अगर करें तो किस प्रकार से करें। क्या 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं जो हम माँ पार्वती को अर्पित करते हैं, या 16 बाती वाला दीपक हम जो माँ के सामने जलाते हैं, माँ मंगला गौरी के सामने, वो हर मंगलवार को जरूरी है, और माँ को जो हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत में, तो इस सामग्री का हमें क्या करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें मंगला गौरी व्रत के बारे में, तो माँ मंगला गौरी का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हों। पति पत्नी में अगर कलह क्लेश है तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आपके जीवन में इस प्रकार की समस्या आ गई है कि क्लेश इतना बढ़ गया है, जैसे तलाक की स्थिति आ गई है, और आप अपने विवाह को बचाना चाहते हैं, तो माँ मंगला गौरी की पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, आराधना कीजिए, शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी रूप से लाभ मिलता है। अगर आप माँ मंगला गौरी की आराधना करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, तलाक तक की स्थिति टल जाती है, अगर आप माँ मंगला गौरी की सच्चे मन से आराधना करें तो। दोस्तों, इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, या योग्य जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से अगर आप इस व्रत को करते हैं तो शीघ्र ही आपकी शादी भी होती है, योग्य जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है, और आगे भी चलकर आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहता है। संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को किया जाता है, तो अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा है, आप माँ मंगला गौरी की आराधना करें सावन के मंगलवार के दिन, निश्चित ही माँ मंगला गौरी की कृपा से आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, माँ पार्वती की पूजा की जाती है माँ मंगला गौरी के स्वरूप में मंगलवार के दिन, और माता पार्वती अपने भक्तों पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। तो जब आप माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना करते हैं, किसी भी कामना से करें, माँ मंगला गौरी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करें, विधि विधान से करें, तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। मंगला गौरी का व्रत रखने से मांगलिक दोष भी दूर होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक दोष है, तो आप माँ मंगला गौरी का व्रत रखें, आराधना करें माँ मंगला गौरी की, विधि विधान से पूजा करें, तो मांगलिक दोष की वजह से अगर विवाह में परेशानियां आ रही हैं, विवाह में देरी हो रही है, या फिर शादी हो गई है लेकिन घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है मांगलिक दोष की वजह से, तो इस तरह की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं मंगला गौरी का व्रत करने से। मतलब अगर आप माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है, मन चाहे वर की भी प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति भी होती है, तो मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं माँ मंगला गौरी का व्रत करने से, जीवन मंगलमय होता है। अब बात करते हैं कि साल 2021 में कितने मंगलवार हैं और पहला मंगलवार कब पड़ने वाला है। दोस्तों देखिए, इस बार का जो सावन शुरू हुआ है 25 जुलाई को शुरू हुआ है, तो पहला मंगला गौरी का व्रत 27 जुलाई को है, दूसरा मंगला गौरी का व्रत 3 अगस्त को होगा, और तीसरा मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त को है, इसके साथ ही अंतिम मंगला गौरी का व्रत होगा 17 अगस्त को। तो इस बार का जो मंगला गौरी व्रत है सावन में सिर्फ 4 पड़ रहे हैं, तो इन चारों को आप कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग सिर्फ सावन मास का ही मंगला गौरी का व्रत करते हैं, वो 4 मंगलवार का व्रत करेंगे और चौथे मंगलवार को उद्यापन कर देते हैं। कितने मंगला गौरी के व्रत हमें करने चाहिए, तो इसके बारे में सबके जो नियम है हर जगह अलग अलग है। जैसे कि कुछ जगहों पर पूरे एक साल तक मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, जैसे कि नवविवाहिताएं जो होती हैं, जैसे कई जगह ये चलन है कि पहली बार जैसे शादी होती है तो पहले साल आप मंगला गौरी का व्रत शुरू करते हैं, और सावन में शुरू करके आप अगले सावन तक इस व्रत को करते हैं पूरे एक साल तक। अगले सावन में आप पूरा मंगला गौरी का व्रत करने के बाद उद्यापन कर देते हैं। तो ऐसा ही कई जगह पर होता है कि सावन से एक सावन
से शुरू होकर 5 साल तक लगातार किया जाता है, जबकि कुछ भक्त माँ मंगला गौरी का व्रत जो है सिर्फ 16 मंगलवार तक रखते हैं। जैसे कि 16 सोमवार किया जाता है, उसी प्रकार से सावन से शुरू करके वो 16 मंगलवार करते हैं। तो इस प्रकार से सबके नियम थोड़े अलग हैं, विधि पूजा की वही होती है और माँ की पूजा की विधि बिल्कुल वैसी ही है, चाहे आप एक मंगलवार करते हैं या फिर आप हर मंगलवार को करते हैं। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ किस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से आपको ये व्रत करना चाहिए। वैसे सावन मास में मंगला गौरी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन बहुत ही मंगलमय हो जाता है। तो आप किसी भी कामना से माँ भगवती की आराधना करते हैं मंगलवार के दिन, बहुत शीघ्र आपको लाभ होता है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चाहिए कि अगर उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, कोई भी आपकी कामना है, तो सिर्फ शाम के समय माँ मंगला गौरी की आराधना करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, तो इससे ही आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूजा की विधि बिल्कुल वैसे ही रखें जैसे कि व्रत करने वालों की होती है। सिर्फ आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, सात्विक भोजन रखें, इससे भी आपको लाभ होता है। अब बात करते हैं कि माँ मंगला गौरी व्रत में पूजा की विधि क्या होती है। दोस्तों, माँ मंगला गौरी व्रत का नियम विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने वाले अगर आप हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी जगना चाहिए। जल्दी मतलब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूर्योदय से पहले तो जरूर उठ जाइए। इसके बाद आप नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता गौरी की आप पूजा करनी है तो आपको एक चौकी स्थापित करनी चाहिए, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। माँ पार्वती की और भगवान गणेश की मूर्ति आपको स्थापित करनी है, उसके बाद आप उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत करने वाले हैं। माँ गौरी की 1650 विधि से पूजा की जाती है, मतलब 1650 विधि मतलब होती है कि पूजा की 16 सामग्रियां माँ को अर्पित की जाती हैं। जैसे कि जो भी सामग्री माँ की पूजा में शामिल की जाती है वो 16 की संख्या में रखी जाती है। जैसे कि आप 16 चूड़ियां माँ को अर्पित करें, 16 प्रकार के फूलों से माँ की पूजा की जाती है, या फिर 16 फल माँ को अर्पित किए जाते हैं। जो भी सामग्री माँ को अर्पित की जाती है वो 16 की संख्या में होती है। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो कि आपके पास 16 सामग्री हो, जैसे हर किसी के पास नहीं है उपलब्ध कि हर बार आपको 16 प्रकार के फल उपलब्ध हो, या 16 फल हो, 16 मिठाई हो, तो आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो, जितनी भी संख्या में उपलब्ध हो, आप माँ को अर्पित करें, पूरे श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करें। किसी भी प्रकार का संशय मन में ना आने दें, कोई भी हीन भावना मन में ना रखें कि मेरे पास 16 चीजें नहीं हैं तो मैं किस प्रकार से इस पूजा को करूं। आपके पास जो भी है उसे प्रसाद में रखकर माँ को अर्पित करें, उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं, विधि विधान से उनकी पूजा करें, आराधना करें, उनके मंत्र का जप करें, आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। वैसे नियम यही है कि आप 1650 विधि से पूजा करें, तो आप चाहें तो सभी सामग्री, जितनी भी सामग्री हम पूजा में शामिल कर रहे हैं वो सभी सामग्री मिलाकर भी 16 हो जाए तो भी बहुत श्रेष्ठ होता है। जैसे कि फल, फूल, मिठाई और सुहाग की सामग्री, इन सभी चीजों को आप गिन लें, अगर ये भी पूरे 16 हो जाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। धूप, दीप, नैवेद्य, इसमें सब शामिल हो जाता है। 1650 विधि से पूजा तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, इस बारे में बात करें तो इस व्रत में आप शाम के समय मीठा भोजन करते हैं, मतलब एक ही समय अन्न खाया जाता है, तो शाम को आप मीठा भोजन करेंगे। और अभी कुछ भक्तों के कमेंट्स आए हैं कि क्या हम इस व्रत को निर्जल रख सकते हैं। देखिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है पूरी तरह से कि आप कोई व्रत निर्जल रहना चाहते हैं या फलाहार के द्वारा रहना चाहते हैं। अगर आप कठोर तपस्या करना चाहते हैं, माँ पार्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं, शारीरिक रूप से आप समर्थ हैं, बिल्कुल आप निर्जल व्रत रह सकते हैं, कोई संशय नहीं है। लेकिन इस व्रत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप निर्जल रहें। आप अगर फलाहार के द्वारा इस व्रत को रखना चाहते हैं तो आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और इस व्रत को पूरी तरह से फलाहार के द्वारा व्रत रख सकते हैं। शाम के समय एक बार आप मीठा भोजन करें। तो मीठा भोजन आपको कब करना है, जब शाम की पूजा आप कर लेते हैं। जैसे शाम को माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा आप फिर से 1650 विधि से करें। जैसे सुबह आप अगर पूजा के लिए पूरा समय नहीं होता है आपके पास, तो शाम के समय संध्या काल में जो संध्या वंदन का समय होता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, उस समय में आप माँ पार्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, विधि विधान से उनकी पूजा करें, सभी वस्तुओं माँ को अर्पित करें, व्रत कथा पढ़ सकते हैं, चाहे आप सुबह चाहे शाम को, जैसा आपके पास समय हो। सुबह संकल्प लेना जरूरी है, तो आप ध्यान रखें कि सुबह माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और धूप दीप करके आप व्रत का संकल्प ले लीजिए, बाकी की पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नियम पूर्वक माँ की पूजा आराधना करें, शीघ्र ही मन की कामना पूर्ण होती है। अगला जो आपका प्रश्न है
किस प्रकार से हम जैसे कि 16 सोमवार का व्रत करते हैं और मंगला गौरी माँ का भी व्रत करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमें करना चाहिए। देखिए आप अगर सोमवार का व्रत कर रहे हैं, अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ सावन सोमवार का भी व्रत कर रहे हैं तो शाम को आपको मीठा भोजन करना होगा। अगर आप सुबह मंगला गौरी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप शाम को अपने जैसे व्रत का समापन कर लीजिए, शाम को वो संध्या वंदन करने के बाद सोमवार की शाम को ही भगवान शिव के सामने जो भी हम भोग प्रसाद अर्पित करते हैं उसमें से आप प्रसाद स्वरूप जो मिलता है वो आप लेकर उसके साथ चाहे तो कुछ भी मीठा भोजन एक अन्न का आहार आप ले सकते हैं। जैसे पूड़ी ले रहे हैं तो उसके साथ आप हलवा ले लीजिए या फिर खीर का भोग आप भगवान को लगाते हैं तो आप खीर ग्रहण कर लीजिए आज ही के दिन यानी सोमवार के दिन। फिर आप अगले दिन मंगलवार के व्रत का जैसे मंगला गौरी व्रत का संकल्प लेकर मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। हाँ, लेकिन व्रत का समापन सोमवार का आपको सोमवार की शाम को ही करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सोमवार को आप अन्न ना लें तो आपका व्रत सोमवार का ही रहेगा, फिर आप मंगलवार को पूरे दिन उपवास रखें, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको व्रत का संपूर्ण फल मिले तो आप सोमवार की शाम को मीठा अन्न खा लें, मंगलवार की शाम को भी आपको मीठा अन्न लेना है, दोनों व्रत के फल आपको प्राप्त होंगे, कोई संशय इसमें नहीं है, आप दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, 16 श्रृंगार का सामग्री हम हर सोमवार को हर मंगलवार को अर्पित करें या फिर जैसे कि किसी मंगलवार को ना करें तो कोई दिक्कत है? जी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा जैसी आपकी सामर्थ्य है उसी प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी भक्त भगवान को अर्पित करता है वो भगवान खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो आपके पास अगर उपलब्ध हो हर मंगलवार को आप 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर मंगलवार को आप नहीं कर पाते हैं तो हर मंगलवार को आप विधि विधान से सिर्फ पूजा कर लीजिए। कुछ एक चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि हरी चूड़ियाँ माँ को अर्पित कर दीजिए तो 16 की संख्या में माँ को चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं। आप सिंदूर माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए मंगलवार की शाम को, जैसे मंगला गौरी की पूजा जब आप कर रहे हैं तो सिंदूर जरूर अर्पित करें, चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं, मेहंदी अर्पित कर सकते हैं, ऐसा कभी कभी जैसे कि हर मंगलवार को कुछ न कुछ सुहाग की सामग्री भी आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जैसे उद्यापन वाला जो दिन होता है, जब आप चौथे मंगलवार को उद्यापन करें या 16वें मंगलवार को उद्यापन करें या जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है उसके बाद जब आप उद्यापन करेंगे तब आपको 16 की संख्या का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि आप 16 श्रृंगार की सामग्री उद्यापन वाले दिन जरूर अर्पित करें, 16 बत्तियों वाले दीपक से आप आरती जरूर करें। आप चाहें तो 16 दिए अलग अलग जला सकते हैं या चाहे तो एक ही दिए में आप 16 बत्ती डालकर 16 बत्तियों वाला एक ही दीपक तैयार कर सकते हैं, आटे का दीपक या मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक, कोई सा भी दीपक जो आपके पास उपलब्ध हो उस दीपक को माँ के सामने प्रज्वलित करें, पूजा प्रार्थना करें। और ये पूजा अपने घर में ही की जाती है, जैसे कि आप अपने घर में जो मंदिर है वहीं पर पूजा घर में ही माँ की मूर्ति स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा आराधना कीजिए और जितनी सामर्थ्य आपके पास है जो सामर्थ्य माँ को भोग स्वरूप आप अर्पित कर सकते हैं। भोग क्या चढ़ाएं? देखिए माँ मंगला गौरी का व्रत में विशेष रूप से आप गुड़ से बनी हुई खीर चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहता है। गुड़ मंगलवार के दिन माँ को अर्पित करने से जीवन में शुभता बनी रहती है, घर में मंगलमय वातावरण रहता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो माँ को गुड़ जरूर अर्पित कीजिए। इसके साथ ही आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी सामर्थ्य है। फलों का भोग आप जितने भी फल अभी जो ऋतु फल जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप उनका भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो प्रसाद में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी चीजें चाहें आप अर्पित कर सकते हैं, ना हो तो सिर्फ गुड़ रखकर भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। ये मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखें कि सामर्थ्य की कमी की वजह से आपकी पूजा में कमी रह गई तो फल कम प्राप्त होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, सामग्री बेशक कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके ये प्रश्न थे। अगला जो प्रश्न है, माँ को चढ़ाई हुई जो सुहाग की सामग्री है उसका हमें क्या करना चाहिए? देखिए माँ भगवती को चढ़ाई हुई जो भी सुहाग की सामग्री होती है उसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप जो भी आप मेहंदी चढ़ाते हैं आप उसको खुद ही अपने हाथों पर लगा सकते हैं, अपने परिवार में किसी भी सदस्य के हाथों पर लगाई जा सकती है, चूड़ियां भी आप स्वयं पहन सकते हैं या फिर जो भी सुहाग की सामग्री आप अर्पित करें स्वयं धारण कर सकते हैं, चाहे तो किसी को दान दे सकते हैं, अपने परिवार में भी किसी को दे सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं सुहाग की सामग्री का।
पूजा में जो मंगला गौरी के व्रत में जो नियम विशेष होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज हमें जरूर प्राप्त करना चाहिए, किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद आज हमें जरूर प्राप्त करना चाहिए। तो मंदिर चले जाएं सुबह या शाम के समय, पंडित जी पुजारी जी जो होते हैं उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। अपनी सासू माँ के आशीर्वाद ले सकते हैं, माँ के आशीर्वाद ले सकते हैं, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं आप उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप मिलकर उनका आशीर्वाद चरण स्पर्श करके लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा संभव ना हो तो आप फोन पर भी आप एक बार फोन करके अपनी सासू माँ को या फिर आप अपने बड़े को, जिसको भी आप अपने से बड़ा मानते हैं, रिस्पेक्टफुल मानते हैं, उस पर्सन का आप आशीर्वाद जरूर आज प्राप्त करें। क्योंकि जैसे हम अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखते हैं तो हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, तो ये आपको जरूर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हर मंगलवार को आप अगर 16 बत्तियों वाला दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक बत्ती वाला दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। तो आप किसी भी प्रकार की जो दुविधा की स्थिति है ऐसे में ना आए, सिर्फ माँ की आराधना में, पूजा में अपना ध्यान लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको इस व्रत से जुड़ी हुई, मंगला गौरी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त हो गई है। और अगर कोई प्रश्न रह गया है आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।